आ रहा हूँ, कितना आ रहा हूँ मैं। हाँ तो सब लोगों से पूछना चाहता हूँ यार, तैयारी हो गई क्या? बोर्ड एग्जाम आने वाले मार्च 2018 दी जजमेंट टाइम, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे गाइड करने की जरूरत है। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने कमेंट्स में देखे हैं, मुझे पता चला कि आप लोग कितना ज्यादा प्यार दे रहे हैं हमें, आप सब लोग मिलके कितना ट्रस्ट कर रहे हैं हमें, तो मैंने सोचा चलो यार कुछ ऐसा किया जाए जिससे तुम लोग ये समझ सको कि फरवरी के मंथ में आखिर पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे पहली चीज, सीबीएसई स्टूडेंट्स को एक चीज यहाँ पे सीख लेना चाहिए कि अभी अगर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज उठा के रखा है तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दे। उसका कारण, तुम्हारे पास ये प्रेशियस टाइम जो बचा हुआ है, कोशिश करो कि उसे अकाउंट्स में और मैथमेटिक्स में ज्यादा दो। कारण मैं उसका भी बता देता हूं, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, और अगर आप प्रॉपर गैप के बारे में बात करो तो 9th ऑफ मार्च को आपका बिजनेस स्टडीज खत्म हो रहा है, 15th मार्च को आपका अकाउंटेंसी है, उस गैप के बीच में अगर आप चाहोगे भी ना तो आप मेरे ख्याल से वो रिविजन नहीं कर सकते हो जो आप करने की सोच रहे हो। उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज हेल्प करेगी और वो है सैंपल पेपर्स। तो बिल्कुल भी मत सोचो कि गलती से भी आप वहां पर रिवीजन कर पाओगे। तो क्या करो अभी, आज जब ये वीडियो पब्लिश होने वाला है तो मेरे ख्याल से डेट 29th ऑफ जनवरी है, सारे काम बंद करो और चालू कर दो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स, और अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो उस पर ध्यान देना, क्योंकि तुम चाह के भी एंड टाइम पे उस लेवल का रिवीजन नहीं कर पाओगे जिस लेवल का रिवीजन अभी बैठ के कर सकते हो, बिकॉज अभी अगर मैं टिपिकली बताऊं तो फ्री हो तुमको। बिजनेस स्टडीज नॉट वर्थ इट, इकोनॉमिक्स नॉट एट ऑल, क्या पी पढ़ते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब्जेक्ट्स के बारे में सोचना बंद कर दो, कोशिश करो कि तुम्हारा मैक्सिमम टाइम या तो मैथमेटिक्स में जा रहा है या तो अकाउंटेंसी में जा रहा है। कैसे मैनेज करो, अर्ली मॉर्निंग उठना सीखो। मुझसे भी नहीं हो पाता, तुमसे भी नहीं हो पाता, आई नो दैट इज अ प्रॉब्लम विद अस, बट द थिंग इज व्हाट यू कैन डू इज एज सून एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू स्टार्ट विद द रिविजंस ऑफ अकाउंटेंसी, यू नो यू आर डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे ना बैठ के तो बिलीव मी नींद नहीं आती है, क्योंकि दिमाग इतना चलता है। मैथमेटिक्स करने बैठ जाओ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उठाओ अभी। कौन सी तारीख तक उठाओ? टिल 18th ऑफ फरवरी तक उठाओ, और उसे अगर लास्ट में मिक्स करना चाहो तो इंग्लिश के साथ मिक्सअप कर लो। अगर आपका फिजिकल एजुकेशन ऑप्शनल है तो अकाउंट्स को फिजिकल एजुकेशन के साथ मिक्सअप कर लो, लेकिन अकाउंट्स को अभी अलाइव रखो। और अकाउंट्स के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल नहीं है तो वो होना चाहिए या तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट या तो इंग्लिश। कारण मैं इसका आपको बताता हूं, मुझे मालूम है तुम लोग बड़े डेडिकेटेड हो, लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत पता है क्या होती है? क्या हम हमेशा तीन सब्जेक्ट सोच के चलते हैं, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, और हम छोड़ किस सब्जेक्ट को देते हैं? इंग्लिश और हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट, उस पर उतना ध्यान नहीं जाता है, और ये एग्जैक्ट वही टाइम है। तो फिर से मैं बोलूंगा, क्या करने वाले हो? अकाउंट्स को उठाओगे, दिन के 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस में चले जाने चाहिए। बहुत ज्यादा बोल रहा हूं क्या? नहीं यार, तुम लोग हो कैपेबल, 5 से 6 घंटे प्रैक्टिकल्स करने को बोल रहा हूं मैं बैठ के, बहुत आसानी से हो जाएंगे। और मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि मोनोटोनस होने दो, गैप्स लेके करो, एंजॉय करो, 1 घंटे से ज्यादा मत बैठो, 1 क्वेश्चन कर लो, आंसर आ जाए, पार्टनरशिप में बैलेंस शीट टैली हो जाए, डिसोल्यूशन में बैंक अकाउंट टैली हो जाए, सेलिब्रेट करो यार, मजा आता है अकाउंट्स में जो आंसर लाने की फीलिंग है उसको सेलिब्रेट करो, लेकिन रुको मत, बैठो 5-6 घंटे, डेडिकेशन दिखाओ। मैं वही बोल रहा हूं, कंटिन्यूअसली मत बैठो लेकिन बैठो, 1 घंटे बैठो, 15 मिनट का ब्रेक लो, 20 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट का ब्रेक लो, कोई नहीं रोकेगा। मैं यहाँ पे तुम लोग को महात्मा वाली चीजें नहीं सिखाने वाला हूं, मैं यहाँ पे ये सिखाने वाला हूं कि रियलिटी क्या है, तुम लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हो। तो जब 1 घंटे बैठते हो उसके बाद यस, गिव योरसेल्फ सर्टेन टाइम, 15-20 मिनट्स, एंजॉय फॉर योरसेल्फ लाइक एनीथिंग, और उसके बाद जब तुम पढ़ने बैठो तो फिर 1 घंटे एट अ स्ट्रेच बैठोगे, अकाउंट्स करना चालू करो, पार्टनरशिप को दे दो आराम से 1 हफ्ता, कंपनी अकाउंट्स को दे दो 1 हफ्ता, 15 डेज नियर अबाउट ये हो गया आपका, और जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला जो पार्ट भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पड़ता है उसको हार्डली 3-4 दिन और दे दिया, ऐसे हमारे पास टोटल सेगमेंट हो गया 18 दिन का। फरवरी 18th तक अकाउंट्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर मारो, जैसे ही आज की तारीख से लेके 18th ऑफ फरवरी तक अकाउंट्स तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जैसे ही 19th ऑफ फरवरी आपकी चालू होती है, आपका फेयरवेल वगैरह सब इसमें चल रहा है जो आपका पहले था, लेकिन 19th ऑफ फरवरी के आसपास आपके पास टाइम अच्छा खासा होगा
और आप उस टाइम पे इंग्लिश उठाओ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज उठाओ इंग्लिश के साथ, दैट मींस पेयरिंग में चलने दो। जैसे मैंने अकाउंट्स के साथ बताया, जिनका ऑप्शनल मैथमेटिक्स है गो विथ मैथमेटिक्स, जिनका फिजिकल एजुकेशन है गो विथ फिजिकल एजुकेशन, जिनका कोई और है बिल्कुल उसके साथ चलते रहो। इसके बाद 18th ऑफ फरवरी के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज आपका 18th फरवरी से पहले नहीं उठना चाहिए। भले कितना भी आपको रोना आता हो कि सर केस स्टडीज आती हैं, ऐसा आता है वैसा आता है, हम कैसे कोप अप करेंगे, बात की बात है, मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आ रहा हूं। हमारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होगा, जो भी कमेंट्स आपने किए हैं उसके ऊपर मैं Q&A एक राउंड लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि बिजनेस स्टडीज को भी कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन अभी के लिए बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को होल्ड पे डाल दो, इनको अभी किसी भी तरीके से आप उठा के नहीं देखोगे, ठीक है। फिर सर उस वक्त बिजनेस स्टडीज की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, 19th ऑफ फरवरी से लेके नियर अबाउट 26th ऑफ फरवरी तक, जब तक इंग्लिश का पेपर बिल्कुल ही पास ना आ जाए तब तक आप बिजनेस स्टडीज को पूरा पढ़ डालो। जैसे ही इंग्लिश का पेपर ओवर होगा आपको कुछ नहीं करना, आपको उसके बाद सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। उससे क्या होगा, एक कंटिन्यूटी बन जाएगी। इंग्लिश का पेपर हो गया, आप बिजनेस के साथ इंग्लिश भी पढ़ रहे थे, इंग्लिश भी तैयार था, 26th ऑफ फरवरी से इंग्लिश को फुल फ्लेजेडली कंटिन्यू कर लेना, बिजनेस स्टडीज को 26th ऑफ फरवरी के बाद रोक देना। बिजनेस स्टडीज को भी 6 से 8 दिन मिल गए। जैसे ही इंग्लिश का पेपर होगा 5th ऑफ मार्च को 6th, 7th, 8th, 3 दिन आपके पास बचेंगे बिजनेस स्टडीज को रिवाइज करने के लिए, और आप वो बिजनेस स्टडीज के पेपर्स देके वहां पे फाइनल टच दे सकते हो आपका जो भी ओवरऑल कोर्स आपने कंप्लीट किया था। इस तरीके से आपका बिजनेस भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मैंने इकोनॉमिक्स का डिस्कशन ही नहीं किया यार, मतलब क्या इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं है क्या, या इकोनॉमिक्स बहुत आसान हो गया? देखो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स याद तो रहने वाला है नहीं, तुम लोग इतने ज्ञानी नहीं रहते हो कि इकोनॉमिक्स को वर्ड टू वर्ड याद रख लो। और अगर कुछ टॉपर्स यहाँ पे देख रहे हैं तो वो भी बात सुन लें कि 95 लाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, 95 से ऊपर जाना बहुत बड़ी बात है, और वो माइन्यूट डिटेल्स आप अभी याद रख के भी कुछ नहीं कर सकते हो, आप अपने जो मेंटल पावर है उसको एक्चुअली वेस्ट कर दो। तो कोशिश क्या करो कि अभी सिंपली ड्रॉप कर दो, तो कोशिश क्या करो अभी इकोनॉमिक्स को सिंपली ड्रॉप कर दो 15th ऑफ मार्च के बाद। आपके पास एट अ स्ट्रेच 26th ऑफ मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर, एट अ स्ट्रेच काफी गैप है, आप उस टाइम पे इकोनॉमिक्स को भर भर के कर लेना। जिनका मैथ्स का बीच में पेपर पड़ रहा है, याद करो मैंने मैथमेटिक्स आपको पहले ही करने को बोल दिया, यानी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में प्रेजेंट टाइम में आप मैथमेटिक्स ही करोगे, कब तक, 18th ऑफ अप्रैल तक, तो वहां पे आपका मैथ्स भी प्रिपेयर हो चुका है। अब आपको क्या करना बाकी है, सिर्फ इकोनॉमिक्स पे फोकस करना बाकी है, और इकोनॉमिक्स को जैसे ही आप 15th ऑफ मार्च के बाद कंटिन्यूटी में पढ़ोगे टिल 26th ऑफ मार्च जब पेपर है, तब तक आपको वो सारी चीजें याद रहेंगी। दैट इज द एडवांटेज जब हम एक टाइम टेबल बना के चलते हैं, और अगर टाइम टेबल नहीं बनाओगे कितना भी सोच लो वो शार्पनेस नहीं आ पाएगी, जो क्लेवरनेस आप चाह रहे हो वो एज आपको नहीं मिल पाएगा जो आप एक्चुअल में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे आई होप आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आई होप आप बहुत अच्छे से पेपर्स दोगे। एंड हाँ, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जैसा मैंने बोला हम आ रहे हैं एक Q&A राउंड के साथ, तो उसके अंदर हम आपसे जरूर डिस्कस करेंगे कि आप हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच करो, हर एक सब्जेक्ट में एक्सेल करो। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।